से अभी मुलाकात क्यों नहीं हो रही, कोई रीजन? थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हुई है हम दोनों के बीच में। किस तरीके किस तरीके की कड़वाहट है, कुछ बताना चाहेंगी? मेरे ख्याल से ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। हाल ही में मैंने उनको ये मैसेज भेजा कि उनकी टीम के किसी सदस्य ने मुझको धोखा दिया, तो उन्होंने फिर से अपना फेवरेट डायलॉग मुझको सुनाया, अरे वो तो मेरा भाई है। तो मैंने कहा कि चाहे लड़की का यौन शोषण क्यों ना हो, उसके साथ धोखा क्यों ना हो, हमेशा आरोपी आपका भाई क्यों बन जाता है? आप लड़की के लिए अपने दिल में या पीड़ित महिला के लिए अपने दिल में हमदर्दी क्यों पैदा नहीं कर सकते? तो इस बात को लेकर थोड़ी सी अनबन हो गई। तो मीन्स आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप ये कहना? जी, चीटिंग हुई मेरे साथ और राखी के एक टीम मेंबर ने करी है। शर्लिन, हमेशा से आप बोलती है कि जो भी कुछ गलत करता है उसे सामने आप लाती है, लेकिन इस इंसान का भी अगर आप नाम बताएंगे तो और भी बाकी के लोग बच जाएंगे इस तरीके से। मैंने हाल ही में जो पुलिस में एक शिकायत दर्ज करी थी उस शख्स के खिलाफ, और राखी को मैंने इतला भी किया कि देखो मैं ऐसा करने वाली हूँ क्योंकि आपके टीम मेंबर ने चीटिंग करी मेरे साथ। तो राखी ने कहा, अरे वो तो बहुत नेक बंदा है, वो मेरा भाई है, भाई है, भाई है। मैंने कहा, राखी आपने साजिद खान के बारे में भी यही कहा था, आपने राजकुंद्रा के बारे में भी यही कहा था, जब जब कोई मर्द या पुरुष या कोई भी इंसान किसी के साथ गलत करता है, आप सबसे पहले उस आरोपी को अपना भाई मान लेती हैं, बना लेती हैं। आप पीड़ित महिला के प्रति सहानुभूति क्यों नहीं दिखा सकते? आप क्यों नहीं कहती हैं कि अरे तू ही मेरी बहन है, चल बता तेरे साथ क्या गलत हुआ, ओके मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। आपका रवैया ऐसा क्यों नहीं होता है? तो मैंने उनसे कहा कि देखो मैं आपके साथ मैसूर चली, क्यों चली मैं? क्या मुझे कोई आर्थिक फ़ायदा हुआ? बिल्कुल नहीं। क्या वहाँ जाकर मैंने कोई फिल्म साइन करी, कोई असाइनमेंट साइन करी? बिल्कुल नहीं। मैं वहाँ गई सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के नाते। राखी ने बोला आप मेरे साथ चलो और आदिल के खिलाफ जो कोर्ट केस चल रहा है मैसूर कोर्ट में, आप वहाँ पर मेरे साथ चलो और मुझे हिम्मत दो, सहारा दो, मीडिया से बात करो। मैंने कहा ठीक है, इतना तो कर सकती हूँ ना एक बहन के लिए। लेकिन जब मैं उसे कहती हूँ कि देखो आपके किसी टीम मेंबर ने मुझको धोखा दिया, मेरे साथ चीटिंग करी, तो आप खड़े नहीं होते हो मेरे लिए? यानी ये एक तरफा प्यार कैसे हो सकता है? मैं आपको बहन मानती हूँ, आपको दोस्त मानती हूँ, आपके लिए खड़ी होती हूँ, आपके साथ चली मैं मैसूर और आपके लिए मैंने इंसाफ की गुहार लगाई वहाँ मैसूर कोर्ट में। लेकिन आपने क्या किया जब मैंने आपसे कहा कि आपके टीम मेंबर ने चीटिंग करी मेरे साथ? आपने बोला अरे वो तो मेरा भाई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो देखा जाए तो आदिल भी मेरा भाई है, आदिल भी बहुत अच्छा है। मैंने ये वॉइस नोट भेजा राखी को, मैंने कहा राखी तुम गलत कर रही हो, फिर से गलत कर रही हो, आदिल भी मेरा भाई है, जैसे तुम्हारा टीम मेंबर तुम्हारा भाई है ना, आदिल भी मेरा भाई है, अब बोलो। तो उसने कहा कि नहीं राजश्री से पूछो, राजश्री जानती है उस बंदे को। मैंने कहा ओके तनु से पूछो, आदिल कितना अच्छा है, जाओ तनु से पूछो, है कि नहीं? तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंडा मेरे बाप का, ऐसा रवैया नहीं चलेगा, ये गलत है। मीन्स कहने में ही आप ये कहना चाह रही हैं कि राखी को जब काम होता है तब वो लोगों को याद करती है, बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। देखिए अगर मैं किसी महिला को अपनी बहन मानती हूँ और वो मुझे कल के दिन कॉल करके कहे कि शर्लिन आपके टीम मेंबर ने मेरे साथ चीटिंग करी है, मुझको धोखा दिया है, तो मैं नहीं बोलूँगी अरे वो तो मेरा भाई है। मैं बोलूँगी बहन तेरे साथ क्या चीटिंग करी बता, तेरा पैसा डुबाया, तेरा पैसा खाया, ओके ठीक है बता कितना खाया, तेरे पास कोई प्रूफ है, कोई ट्रांजैक्शन है, कोई स्क्रीनशॉट है, मुझे भेज, मैं अभी की अभी पता लगाती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। ये होगा मेरा रवैया। अरे मैं दोस्तों की यार हूँ, खड़ी होती हूँ मैं दोस्तों के लिए, जिनको मैं बहन मानती हूँ, भाई मानती हूँ, दोस्त मानती हूँ, उनके लिए मैं खड़ी होती हूँ, स्टैंड लेती हूँ। तो मैंने कहा ये मेरा रवैया होता, लेकिन तू क्या कर रही है? तू बोल रही है नहीं वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा भाई है। ओ माई गॉड, खुदा के वास्ते ये डायलॉग बोलना बंद कर, अच्छा नहीं लगता। रोजे चल रहे हैं, रमजान का महीना है, कुछ तो डर कर ना अल्लाह मियाँ से। चीटिंग किस तरह की हुई आपसे? बात राखी को पता है, मुझे पता है, जुहू पुलिस को पता है। खैर अभी ये मसला सुलझ गया,
जैसे ही मैंने उस शख्स से कहा कि देखो आपके ख़िलाफ़ मैंने जुहू पुलिस में शिकायत दर्ज करी है, बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा, तो जो आपने गलत किया है उसे सही कीजिए, तो उस शख्स ने जो कुछ लिया था उसे रिफंड किया। मामला टल गया ये कह सकते हैं? हाँ, मामला सुलझ गया। धन्यवाद देती हूँ जुहू पुलिस को, और अगर राखी ने कुछ किया होता तो शायद इस मंच पर मैं राखी को भी धन्यवाद देती, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमेशा की तरह इस बार भी उसने वही डायलॉग मारा, अरे आरोपी तो मेरा भाई है।